3, 2, 1. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شقه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. ये कूड़े का डब्बा यहाँ ही होना चाहिए, आप तो रोज वही देखें, तो आप किसी को बाहर से बुलाते हैं तो वो आगे कहता है यार ये आपने क्या किया, ये आपने क्या किया, ये आपने क्या किया, ये शादी करके बोलते चलेगा सर आपका इंटीरियर सब कुछ है, आप ये भी ठीक है ये भी ठीक है लेकिन आपका आउटर अच्छा नहीं, इस पर आप तवज्जो दीजिए। ये होती है वो चीज़ जो मुझे नज़र नहीं आ रही है, एक दोस्त को नज़र है उसने मुझे कह दिया बहुत अच्छी बात है, मैंने आते ही कह दिया आते भी अच्छा नहीं है आपके शिक्षक अच्छा नहीं, मनोहर भाई से मैंने कहा मनोहर भाई अच्छा नहीं इसको अच्छा नहीं, यार यही तो स्टूडेंट कर रही होते हैं हम आपस में साथ बैठते हैं और क्या करें, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ना हम कश्मीर फतह कर सकते ना हम IMS में बात कर सकते हैं ना हम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से बात करें, हम तो शायद थाने से भी बात नहीं कर सकते कि आप अपनी पॉलिसी को चेंज करें, हम आपस में बैठ के एक दूसरे को धमाका दे सकते हैं, एक दूसरे को इज्जत दे सकते हैं, एक दूसरे को मोहब्बत दे सकते हैं और एक दूसरे की बिजनेस को दुनिया और आखिरत दोनों के लिए आ सकते तरक्की का सबक दे सकते। इसके अलावा भारत सादिक भाई को बहुत मुबारक हो और सादिक भाई को भी बहुत मुबारक हो, अल्लाह इन दोनों के दर्जात पर आम रहे। इस हवाले से रखा और इजाजिया दोहराना भी दिया तो इसका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम का, लेडीज़ टीम का भी और हमारे हजरात और ये सवाल किसी का आया था तो मैंने कर लिया था, बाहर बहुत अच्छा जवाब दिया यानी मुझे भी काफ़ी अच्छा इसके जवाब मिल गया और हमारी जो सियासी तहरीक है उसमें भी कल तबाक से हमारे मिर्ज़ा बाबा एडवोकेट साहब हैं उन्होंने भी हमने मीटिंग कॉल की तो उन्होंने कहा क्या मीटिंग करते रहे, उनको भी जवाब दिया था बराज बहुत मत जवाब आपसे मिल गया, तो बराज मुतमिन होंगे तमाम लोग के एक्शन का मकसद क्या है, जुड़ना बैठना तो कुछ ना कुछ फ़ायदा होता ही और फिर इतफाक में तो बरकत होती है ना, अलहमदिल्ला जब से यहाँ पर आए मैं जब हज पर से आया हूँ अलहमदिल्ला इतने मोहब्बत करने वाले आपके से लोग इसी की वजह से, अगर मैं अकेला चला रहा होता ना तो वो शायद कोई भी नहीं आ रहा, वो आके मुझे क्या देगी और मैं उसको क्या दे रहा हूँ कुछ भी, लेकिन एक बड़ा अच्छा फील होता है ना, इतना बड़ा खानदान है आपका नीला के मोहल्ले में भी देख रहे हैं लोग कितने लोग मिलने वाले आ रहे हैं और बहुत से तो फेसबुक पे देख देख के जगह आ गए कमेंट्स आ रहे हैं भाई बस करो यार कितनी बोलता है, मैंने कहा मेरे पास पोस्टर डालने के लिए है ना क्योंकि मेरे पास ऐसे लोग आ रहे हैं ऐसी शख्सियत आ रही है कि जिनसे मैं अपना ताल्लुक जोड़ना उनको शौक करवाना एक अपने लिए फ़ख्र समझता हूँ, तुम्हारे पास क्या, मैंने कहा तुम्हारे पास तो ये शॉप है मकैनिक की, तुम रोजाना डालोगे बाइक का फिटिंग कर रहा हूँ या पंचर लगा रहा हूँ ये डालोगे, जिसके पास कुछ होता है वही शॉप करवाएगा और होता है उसी के पास है जो अपने से हट के दूसरों के लिए सोशल होता है कुछ काम करता है उसी के साथ सम्राट जो है वो आखिर में उम्र के हिस्से में समेट रहा होता है, मैंने अक्सर बच्चों को कहता हूँ कि मैं आज तुम्हें 5 रुपये दूँ ना 5 का सिक्का तो तुम कहो तो शायद 5 रुपये आज की कोई वक्त ही नहीं अहमियत नहीं, लेकिन इस 5-5 को जमा करते रहोगे ना 25 साल 40 साल के बाद ये अमाउंट होगा, हमने वो काम शुरू दिन से अपने अंदर एक जज्बा था सोशल होने का और किसी ना किसी की हेल्प करना कहीं ना कहीं काम आ जाना किसी तकलीफ में मजहबी जाना किसी सियासी समाजी में जाना तो जाते जाते हमें बहुत बड़ा पैरामीटर बन गया एक बहुत बड़ा हल्का बन गया खानदान बन गया, वो आज जो है ना उसका सिला हमें इन सूरत में मिलना मौका बड़ा खुशी हुई आप सबकी आरिफ भाई वगैरह सारे दोस्तों ने माशाल्लाह हमारे तुरंगी की साहिद भाई की टीम को पूरी उन्होंने भी जाते वक्त भी माशाल्लाह दावत की आते वक्त भी दावत की और बहुत सारे हमारे रांडी वाले दोस्तों ने भी लेडीज़ भी ने भी आज प्रोग्राम रखना था मेरे घर पर है तो आप यहीं आए बहुत सारी जगहों पर अभी तक टाइम ही नहीं दे पाते, ये आप दोस्तों से भी है कि जो लिमिटेड टाइम देते हैं और लिमिटेड रहते हैं अपने आप को वो सोशल बनाने की कोशिश करें, इसके बहुत सारे सम्राट बिना किसी मफाद के तो इंशाल्लाह दुनिया में भी और आखिर में और दुआ है अल्लाह ताला जो है आप सबको हज की शहादत नसीब फरमाए आमीन जिंदगी में जवानी के अंदर और इसके बेज व बरकत देता फरमाए और आप तमाम गहरे से जान पर मार की बरकत देता फरमाए और हमारा आज का जो मकसद है तो ये भी मकसद था दूसरा स्टैंड
चाहिए तो स्ट्रेंथ मिलेगी कैसे? तो स्ट्रेंथ ना आपस में बढ़ाए दूसरों के पास, तो जब बाद में पहुँचेंगे ना, कि जब हमारा आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। और इस मामले में मैं समझता हूँ कि ये कयूम भाई और काशिफ भाई, सत्ता भाई और ये छोटे सानी भाई, ये बारह बात पर इस तरीके में बता देनी चाहिए कि उन्होंने इस दौरान में कोऑर्डिनेशन बना के रखा। कोई प्रोग्राम होता था, ये चार पाँच लोग वहाँ पहुँचते थे, इवन हमारे कॉलोनी में प्रोग्राम हो रहा, हमारे अपने दोस्त भी आते थे, हम वहाँ पहुँच रहे होते थे। तो ये कोऑर्डिनेशन होगा, ये स्ट्रेंथ बनेगा। एक गैस का या वाइस प्रेसिडेंट का एक लग गया है, बस हमारा काम खत्म हो गया भाई। जब पौधा लग जाता है ना, डॉक्टर साहब ने पहले बात की थी, जब पौधा साथ में लग जाता है, ये आपकी जिम्मेदारी को बढ़ा देता है। ये अब ये नहीं होता कि आप अपने स्कूल में बैठ के, अपनी डेस्क में बैठ के बस काम करते रहेंगे तो हो जाएगा। इसके लिए हमें कोऑर्डिनेशन बनानी पड़ेगी, साथ निकलना पड़ेगा। और मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ साथ निकल के प्यारी खाना सरल करे, गरीब में बैठ रहे हैं, लेकिन क्या हो कि एक दूसरे के साथ कम अज़ कम प्रोग्राम में पहुँचे। ये लेडीज़ का जहाँ प्रोग्राम होता है, मुश्किल इनको होनी चाहिए, लेकिन ये लोग पहुँच रहे होते हैं। और हमारे अपने दोस्त जो हमारे अपने प्रोग्राम हो रहे होते हैं, मेरे स्कूल में हुआ या अभी जावेद भाई का भी हुआ, तो इतने स्ट्रेंथ वहाँ नहीं पहुँची। हमें तो ये होना चाहिए कि हमारा अपना प्रोग्राम है, एक कॉल पर मैंने कितना टाइम निकाला, सबको बुलाना तो बिरयानी। मैं ये कहूँ कि जी मैं इतना बिजी हो गया, मैं बिल्कुल टाइम नहीं निकाल पाता किसी के लिए आधा घंटा, तो फिर एसोसिएशन छोड़ देनी चाहिए, फिर आप भी काम कर सकते हैं। क्योंकि आपको जो है आगे जाने के लिए बनेगा ना, स्ट्रेंथ जब बनेगी, जब आपस आपस में कोऑर्डिनेशन, यूनिटी एक होगी, करें आपस में कोऑर्डिनेशन बढ़ाएं, और आगे जो भी आप कर सकते हैं। अभी तो आगे का प्रोग्राम है, उसके लिए तो फिर लोगों के पास जाना पड़ेगा। आपको सबसे पहले सरदार भाई का शुरू किया, और डॉक्टर भाई को जिन्होंने आज ही तकरीब रखी और इन्वाइट किया, और बड़ा अच्छा लगा कि आज काफ़ी अर्से के बाद एक मीटिंग अटेंड कर रहे हैं हम लोग, और सारे दोस्त मौजूद हैं यहाँ पे। चीज़ें खुल के आप लोगों के सामने आ गई है, सरदार भाई ने बड़ी डिटेल में चीज़ें आप लोगों को समझा दी है। अमूमन ये सवाल जब उठता है, जब हम किसी के दरवाजे पे जाते हैं और उससे कहते हैं कि यार एसोसिएशन की फंडिंग के लिए हम आपके पास आ गए, ये सवाल सबसे पहले वहाँ उठता है कि एसोसिएशन करती क्या है। अच्छा, उससे पहले वो सारी चीज़ें वो अपने कर रहे होते हैं, एसोसिएशन के ज़रिए करा रहे हैं, सारी चीज़ों के ज़रिए करा रहे हैं, जैसे भी करा रहे हैं। बारह ये काम होता है, हम लोगों का सबसे बड़ा मसला फंडिंग का आ जाता है। जब हम फंडिंग के लिए जाते हैं तो उनके पास इतनी लंबी चौड़ी एक लिस्ट होती है, जो शायद हम उनके सवाल का उसका जवाब नहीं दे पाते। तो मेरे ख्याल में सबसे बड़ी अच्छे से इस चीज़ को क्लियर कर दिया, और मेरे ख्याल में किसी दोस्त के जहन में कोई चीज़ नहीं रही होगी। अब मैं दोस्तों आगे के डिस्कस करूँगा, डिस्ट्रिक्ट को डिस्कस करूँगा। मैं डिस्ट्रिक्ट में हमारा जिससे पहले वर्किंग चल रहा था, वो तो अब जो हमारा अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अगस्त तो इस प्लानिंग में है। नेक्स्ट वीक में दोबारा एक मीटिंग है हमारी, ठीक है, डॉक्टर साहब के पास चंद मखसूस अफराद की, वो मीटिंग में डिस्कस करेंगे कि हमें सेप्टेम्बर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी है, वो नेक्स्ट वीक में डिसाइड होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, लेकिन दिसंबर का एक ऐसा प्रोग्राम है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। दिसंबर के प्रोग्राम में जो सर्टिफिकेशन स्कूल होगी, वो हमारे दिसंबर में प्रोग्राम होगा, ग्रैंड सेमिनार कह लें आप उसको, जो जनरल बॉडी इजलास कह लें फॉर एग्रीस्टिक का, उसमें सर्टिफिकेशन भी होगी, उसमें जे एस को जो है वो शीट्स भी दी जाएंगी नाम जे एस को। तो ये हमारा यहाँ से आके क्लोजिंग पे आ जाएगा दिसंबर के अंदर, ठीक है। फिर जैन तक हमारे पास रहता है, फैब तक रहता है, मार्च तक रहता है, ये हमें नहीं मालूम, ठीक है, लेकिन हम दिसंबर में प्रोग्राम कर लेंगे सर्टिफिकेशन का और अवार्ड्स का। इसके अलावा एक और प्रोग्राम आया सेंटर की तरफ से, वो है मरी साइड पे स्काउट्स का प्रोग्राम हो रहा है घोड़ा गली में, उसकी मैंने डिटेल्स अभी सबको सेंड कर दी, डी एम सी ग्रुप में सेंड कर दी, जो दोस्त आए हैं साथ ही जरूरी आपको अपने पास सेंड कर दी, दोस्तों को सेंड कर दी सबको मैंने, तो उससे मुताबिक जो भी डिटेल्स है उसमें डिस्कस कर लीजिएगा। किसी को जाना हो, इंटरेस्टेड है, तो वो डिस्कस कर लीजिएगा। ये दो हो गया जो आपको सही लाइव आ गया और मेरे पास जो विमेन विंग में स्कूल्स है ना, उनको फैज़ की बहुत ज़्यादा नीड है, तो फैज़ लेने के लिए ना जाना पड़ता है। जब हम बड़े स्कूल में जाते हैं, आप ये नहीं सोचते कि इनका बजट बहुत बड़ा था इसलिए हमारे साथ ये इशू आया, हम ये कर ही नहीं सकते। और जैसे कि आप लोग मेरे पास जीनियस और बहुत मजबूत करने वाले खवातीन मौजूद हैं, और आप जाती हूँ, भाग भाग के जाती हूँ, मैं सर परवेज़ के पास भी जाती हूँ, जावेद साहब के पास, मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी हैं, तो मुझे लगा कि एसोसिएशन ने मुझे फैज़ पहुँचाया।
अब मैं मुझसे मुझे भी पता है भाई छोटे स्कूल्स अगर हैं, हम लोग अपने स्कूल को अगर छोटा कहते हैं तो वो छोटे नहीं है, इन लोगों की कंफर्ट की वजह से हमारे स्कूल्स बड़े हुए और इसका क्रेडिट इन लोगों पे भी जाता है। इस बात पे भी थर्ड थिंग ये कि जो ये कहते हैं ना कि भाई एसोसिएशन का मकसद क्या है, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्गर टुगेदर, साथ होंगे कम्युनिकेट करेंगे, जैसे कि सर ने फरमाया कि भाई जैसे आप कम्युनिकेट करेंगे तो आप स्ट्रांग होंगे ना। मेरे साथ मसाइल एक नहीं थे छोटे स्कूल्स में, मैं मेरा मेम मतलब है यानी हमारी सारी मेम्स